फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं एमकेएस ट्यूटोरियल। इस क्वेश्चन बताऊंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच। ये क्वेश्चन लिया गया है आपके प्रोजेक्शन ऑफ लाइन लाइन इंक्लाइन टू सिंगल प्लेन से। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द बीपी, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द बीपी, ठीक है, 30 डिग्री टू द बीपी दिया हुआ है। तो बीपी मतलब पाई आर का एंगल होगा, दिस इज गिवन अस 30 डिग्री, ठीक है। द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द बीपी 65 mm लॉन्ग। फ्रंट व्यू आपको कितना दिया है? 65 दे दिया है। ओके, ड्रॉ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू एंड 40 mm अबव द एचवी, इट्स वन एंड बीइंग 30 mm इन फ्रंट ऑफ द बीपी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इंक्लाइन 30 डिग्री टू द बीपी 65 mm लॉन्ग। आपको फ्रंट व्यू दे दिया है 65 mm, ठीक है। ओके, तो फ्रंट व्यू कैसे आपको बताओ, ड्रॉ द पोजिशन ऑफ द लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू एंड 40 mm अबव द एचपी। आपका लाइन जो बताओ कैसा है, पैरेलल टू एंड 40 mm अबव एचपी बोल दिया है, ठीक है। मतलब क्या बताओ, तो मान लीजिए आपका ए डैश कहां बताओ, तो दिस इज 40 mm अबव, दिस इज ए डैश, और ये मान लो कितना आपको दिया है, 40 mm दे दिया। तो 40 mm लिखते कैसे हैं, जिसको अलग से वीडियो में बताया हूं, दिस इज 40, ठीक है, दिस इज 40 mm, और आपका जो लाइन रहेगा कैसा रहेगा, इसके पैरेलल रहेगा, ठीक है। ये अपने क्या रहेगा, फ्रंट व्यू रहेगा। कहां तक जाएगा, विदाउट व्यू, यस वी नो दैट इज हाउ मच, 65 mm। तो मान लो यहां से यहां तक तुम्हें कितना है, 65 mm, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, दिस इज बी डैश, ठीक है, इसको यहां पर लेगा, इसको यहां पर लेगा, ठीक है। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला, आगे पढ़ो उसको, इट्स वन एंड बीइंग 30 mm इन फ्रंट ऑफ द बीपी। तो अगर पॉइंट आपका एक पॉइंट इनमें से क्या बोला है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी बोला है, ठीक है। तो इन फ्रंट मतलब नीचे आएगा आपको वो, तो इसी पॉइंट का 30 mm नीचे ले आओ, ठीक है। तो दिस पॉइंट विल बी, दिस पॉइंट विल बी ए, ठीक है। अब यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो। अब देखो क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन को पाई दे दिया, पाई को तो कितना दिया आपको, 30 डिग्री दे दिया है। तो 30 डिग्री कहां जाएगा, तुम्हारा नीचे आएगा, ओके। तो 30 डिग्री का आपको जो नीचे आया कहां पे जाएगा, देखो तो लेट्स सपोज यहां से 30 डिग्री ले लो, यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। दिस इज एंगल पाई, दिस इज माई फ्रंट व्यू। देखो जब लाइन आपका बीपी से इंक्लाइंड होता है तो फ्रंट व्यू का आपका रेडियस होगा, मतलब क्या है, टॉप जो बनेगा आपका टॉपिक ऐसे बनेगा आपका ट्रू लेंथ का बनेगा, ठीक है। ट्रू लेंथ आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको नहीं दिया हुआ है, बट वी नो द पॉइंट बी डैश। अगर बी डैश यहाँ पे तो बी कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली नीचे होगा, यहां से नीचे आ जाओ। इफ दिस पॉइंट इज बी डैश तो दिस पॉइंट विल बी बी, ठीक है। और ये आपको क्या बन जाएगा, ये टॉप बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फ्रंट व्यू हो गया, अपना टॉप व्यू हो गया। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किससे बनता है आपको बता चुका हूं पहले, ये आपको बनेगा एचबी पेंसिल से, ठीक है। एक्स वाई बनेगा आपका 2H पेंसिल से, और बाकी जो पोजीशन आपको दिया है क्वेश्चन में, दिस विल बी ऑफ पोजीशन से। इस वीडियो में बस इतना है, थैंक यू।